विश्वविद्यालय छात्र वार्षिक परीक्षा का इंतजार लगभग 5 महीने से कर रहे हैं। NCTE के मानक अनुसार परीक्षा विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फाइनल डिसीजन में UGC के फार्मूले परीक्षा नहीं तो डिग्री नहीं का समर्थन किया गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालयों ने इस संदर्भ में अपनी कवायद शुरू कर दी है। नमस्कार, कविता इज हियर चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी जान लेते हैं। फर्स्ट ईयर एवं सेकंड ईयर के छात्रों के प्रमोट होने का खाका हुआ तैयार। स्नातक में अभी तक हुई परीक्षा के औसत अंक के आधार पर विद्यार्थी प्रोन्नत किए जाएंगे। वहीं परा स्नातक की कक्षाओं में इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन के अंक के आधार पर प्रोन्नति दी जाएगी। खास बात यह है कि किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। परीक्षा और प्रमोशन को लेकर गठित समिति डीन विभागाध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक ने कई दिनों के मंथन के बाद प्रोन्नति का फार्मूला तय कर लिया है। परास्नातक की कक्षाओं में 20 अंक इंटरनल असेसमेंट और 80 अंक थ्योरी की परीक्षा पर है। इंटरनल असेसमेंट हो चुका है और अंक भी दिए जा चुके हैं, जबकि थ्योरी की परीक्षा नहीं हो पाई है। लिहाजा किया गया है कि इंटरनल असेसमेंट के 20 अंक को ही आधार बनाकर प्रोन्नत दिया जाए। विद्यार्थी अगली कक्षा में जो अंक पाएगा उसे ही पूर्व के साल में भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा बीएड बीपीएड में भी इसी फार्मूले को अपनाया जाएगा। विधि की कक्षाओं को लेकर अभी मंथन चल रहा है, जल्द ही इस पर भी निर्णय हो जाएगा। कार्य योजना तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा और शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर अमल शुरू होगा। प्रमोशन का फार्मूला बीएड के संदर्भ में कैसे लागू होगा? बीएड प्रथम वर्ष 2020 सभी छात्र छात्राओं का संबंधित महाविद्यालय एवं विभाग से सैद्धांतिक आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्राप्त कर लिए जाए तथा सैद्धांतिक आंतरिक मूल्यांकन अंकों को अंकित करते हुए सभी छात्रों को प्रोन्नत कर दिया जाए। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं प्रायोगिक परीक्षा का अभी कोई अंक प्रदान ना किया जाए। नेक्स्ट वन, ऐसे सभी प्रथम वर्ष के प्रोन्नत छात्र छात्राओं द्वारा नियमानुसार आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण किए गए समस्त उत्तीर्ण सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों एवं समस्त प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों उत्तीर्णांकों के औसत अंक अलग अलग को उसके प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक मानकर प्रथम वर्ष की अंक तालिका तैयार की जाए। ओके, नाउ इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, बीएड सेकंड ईयर। बीएड द्वितीय वर्ष 2020 की परीक्षाएं शासन के निर्देशानुसार संपन्न कराई जाएगी। बी अलर्ट। ओके, आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, ओके बाय, कीप स्माइलिंग फॉरएवर।